हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम देखेंगे बीम्स में कुछ आगे के कंसेप्ट। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि बीम्स के क्रॉस सेक्शंस कितने तरह के होते हैं, राइट। फ्लेक्सुरल बिहेवियर ऑफ बीम्स क्या होता है, इनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखते हैं, बहुत ही हमारा पुराना टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका कुछ रिकैप करते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन? इसका अर्थ है कि मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन है और उसका कोई बीम है, ये इसकी क्या होगी, बीम। इसके ऊपर अप्लीकेशन ऑफ लोड के कारण इसका लोड और रोटेशन, मोमेंट रोटेशन कर्वेचर हमारा कैसा बनता है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, लोड डिफॉर्मेशन कर्व्स। डिफॉर्मेशन में हमारा क्या है, यहाँ पे रोटेशन है, एंड लोड कैसा है हमारा, मोमेंट के फॉर्म में। लोड डिफॉर्मेशन या मोमेंट कर्वेचर फॉर या मोमेंट रोटेशन कर्व जो होता है वो हम ड्रॉ करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि इनिशियली जब तक हमारा स्ट्रक्चरल का जो मोमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग रोटेशन है, इसका मतलब क्या है कि ये बीम, इसके ऊपर अप्लीकेशन ऑफ लोड के कारण इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, राइट। इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, और वो डिफ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा उसमें आया हुआ रोटेशन, राइट। मतलब इस बीम में, ये बीम अगर इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पे इसमें क्या आया, रोटेशन आया। तो ये रोटेशन कितने अप्लीकेशन ऑफ मोमेंट के कारण, लोड के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट उस सेक्शन पे जनरेट होगा वो कितना होगा। तो हम अज्यूम करते हैं हमारा क्या है, एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का होगा अंडर पॉइंट लोड, राइट। अंडर पॉइंट लोड जो सेंटर पर लग रहा है तो उसके कारण एम एक्स, और सेंटर के करस्पॉन्डिंग इसमें रोटेशन कितना आ रहा है, तो थीटा। हम मैक्सिमम की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जब हम लोड की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग कुछ लिमिट तक क्या होता है, मोमेंट की वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज होती है। कैसी वैल्यू होती है, इंक्रीज होती है लीनियरली। देन आफ्टर एक पॉइंट के बाद इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन सेंस, ये हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है उसके कारण इसमें क्या होंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस कहाँ होंगे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की तरफ। अगर हमारी डाउनवर्ड लोडिंग है तो यहाँ पे ये क्या होगा, कंप्रेसिव लोड्स होंगे, और उसके नीचे जो है वह यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल लोड होंगे। यहाँ पे ये कौन सा होगा, न्यूट्रल एक्सिस अगर हमारी ये है तो इस लोड के कारण इसके ऊपर ये जो जोन है वो किसमें होगा, हमारा कंप्रेशन में, राइट। और इसके नीचे ये जो जोन होगा वो किसमें होगा, टेंशन में। तो इसमें जो होंगे वो कंप्रेसिव फोर्स होंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे और इसमें टेंसाइल, राइट। तो जब ये मोमेंट या लोड की वैल्यू इतनी इंक्रीज करते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं ये अपने मतलब यील्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू को अचीव करते हैं, देन आफ्टर फर्दर हम लोग लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि एक्सट्रीम फाइबर हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एलिमेंट कैसा है, इलास्टो प्लास्टिक। इलास्टो प्लास्टिक के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का किस तरह से बन जाता है हमारा, इनिशियली तो लिनियरली वेरी करता है इलास्टिक रीजन में, देन आफ्टर हमारा क्या होता है, कंटिन्यूसली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग का जो रीजन होता है उसे हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जब एक्सट्रीम फाइबर कंप्रेशन में आ जाता है या फिर उसकी एफ वाई वैल्यू को अचीव करता है तो देन आफ्टर इसमें क्या होंगे, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आएंगे, और फर्दर लोड के कारण इसमें जो भी डिफॉर्मेशन आएंगे वो कंटिन्यूस होंगे और ये कोई भी लोड को रिस्ट्रेन नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब अब जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी वो किसकी होगी, इनर फाइबर्स की। धीरे 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 हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसमें आता है, प्लास्टिक रीजन में आ जाता है, और स्ट्रक्चर क्या होता है, फुली रोटेशन में फेल हो जाता है। तो धीरे धीरे तो हमारा क्या होगा, अब इलास्टिसिटी को ये छोड़ के ये प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, राइट। इस तरह से ये प्लास्टिक रीजन में कंटिन्यूसली रोटेट करता जाएगा और रोटेशन में ये फेल कर जाएगा। तो इस कर्व में हमने देखा था कि मतलब हमारा जो क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन है उसके हिसाब से ये क्या फुली प्लास्टिक रोटेशन डेवलप करते समय पूरा ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल रहता है। अगर ऐसा है तो हमारा स्ट्रक्चर कहाँ फेल होगा, इस पॉइंट पे फेल होगा, राइट। इस पॉइंट पे फेल होगा तो इसे हम कौन सा टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन। क्या, प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन, ओके। जब ये स्ट्रक्चर फुली प्लास्टिक तो हो जाता है, मतलब इसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है ना
वो हमारा प्लास्टिक हिंज तो फॉर्म करता है और यहाँ पे इनफ रोटेशंस आ जाते हैं, इसलिए इसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। यहाँ पे इनफ रोटेशंस डेवलप करने से पहले ही वो स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन, राइट, कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन। अगर हमारा स्ट्रक्चर इलास्टिक लिमिट, एक्सट्रीम फाइबर हमारा एफ वाई को अचीव करता है, एक्सट्रीम फाइबर हमारा क्या है, एफ वाई यील्ड को अचीव करता है, देन आफ्टर वो फेल होता है इन इलास्टिक रेंज, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन, राइट। इसमें हमारी जो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे तो एफ वाई को अचीव करता है, लेकिन इनर फाइबर अभी भी मतलब यील्ड नहीं हुए हैं, ओके। और लास्ट सेक्शन होता है हमारा स्लेंडर सेक्शन, मतलब उसकी विड्थ टू थिकनेस रेशियो मतलब इतना पतला है या फिर थिकनेस उतनी कम है कि वो क्या है कि अपनी कंप्रेसिव लोड को बियर करने से पहले ही क्या होता है, बकलिंग में फेल कर जाता है। तो इस तरह के सेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्लेंडर सेक्शन कहते हैं, ओके। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गए। हम इन क्रॉस सेक्शंस को अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, राइट, ये हमने देखा भी था। प्लास्टिक सेक्शंस जनरली जो यूज होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, जब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस को हम तब यूज करते हैं जब हमारा स्ट्रक्चर हमें इलास्टिक रीजन तक ही स्टडी करना हो, तब हम सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस की डिजाइन करते हैं। स्लेंडर सेक्शन हम प्लेट गर्डर में पढ़ते हैं, प्लेट गर्डर में हमारी टेंडेंसी होती है हमारा जो वेब है वो लोकल बकलिंग में फेल हो जाए, फ्लैंज है वो कंप्रेशन जोन में लगने वाले टॉर्जनल बकलिंग के कारण फेल हो जाए, तो हम प्लेट गर्डर को क्या करते हैं, स्लेंडर सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम कैसे चेक करते हैं और क्या होती है, क्या है लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये कोई बीम है उसका ये आई सेक्शन, आई सेक्शन की बीम है, राइट, और यहाँ पे इस बीम को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ओके। यहाँ पे ये इसकी फ्लेंजेस होगी और यहाँ पे ये इसकी नीचे फ्लेंजेस होगी। यहाँ पे हमारा क्या है, इस बीम पे लगेगा कोई भी डाउनवर्ड लोडिंग, पॉइंट लोड लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, कुछ भी। इसके कारण क्या होगा, इस बीम में क्या होगा, बैंड्स क्रिएट होगा, बेंडिंग आएगी, तो ये बीम हमारी इस तरह से बैंड होगी, ये हमने रेगुलरली देख ही रहे हैं। इसके कारण क्या होगा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो भी रीजन है, राइट, ये क्या होगा, अंडर कंप्रेशन, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स होंगे, राइट। इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या है कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला रीजन है उस पर कंप्रेसिव फोर्स के कारण ये क्या है, एज अ एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर की तरह बिहेव करेगा। जब कोई भी चीज कंप्रेसिव मेंबर की तरह बिहेव करेगा तो हमें उसकी बकलिंग की टेंडेंसी को देखना पड़ेगा, उसकी जो डेप्थ टू थिकनेस रेशो है वो कुछ इतना इनफ है क्या कि वो मतलब लोकल बकलिंग में फेल करे कि नहीं करे, राइट, उसकी बकलिंग की टेंडेंसी को डेवलप देखना होगा। अगर ये उसकी डेप्थ टू थिकनेस रेशो मतलब उसकी थिकनेस कम है, उसके कारण क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा रहेगी, मतलब स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, एक वीक एक्सिस फॉर्म करेगा, क्या करेगा, एक वीक एक्सिस होगी, उस वीक एक्सिस के अलोंग ये क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा, राइट। तो ये जो बकलिंग होती है वो क्या होती है, उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसकी लेटरल डायरेक्शन में होती है, तो उसकी जो लेटरल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डिटेरियोरेट हो जाती है या फिर डिमिनिश हो जाती है या फिर वो नहीं के बराबर रहती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो आई सेक्शन है ये अपनी इसकी ओरिजिनल एक्सेस ये है, उसके करस्पॉन्डिंग ये किसी थीटा रोटेशन पे इस तरह से ट्विस्ट हो जाती है, राइट। ये बीम जैसे ये है इस तरह से, ये इस तरह से ट्विस्ट हो जाएगी, जब ये ट्विस्ट होगी तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रोटेशन डेवलप हुआ और इसको ही हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल बकलिंग। इस तरह की जो बकलिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल बकलिंग। तो टॉर्जनल बकलिंग को रिस्ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस जोन को यहाँ पे फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक एंगल सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, शियर कनेक्टर, और इसे हम अपनी जो आरसीसी स्लैब होती है उसमें फिक्स कर देते हैं ताकि ये इस जगह से इस तरफ ट्रांसफर ना हो।
दूसरा क्या होता है कि जब हमारी जो बीम होती है उसमें हम डायफ्राम प्रोवाइड कराते हैं या फिर ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। शियर कनेक्टर हमें पता ही है कि मतलब हम एक एंगल सेक्शन या फिर यहाँ पे बोल्ट्स के ग्रूव बनाए जाते हैं और उसको हम क्या करते हैं कॉन्क्रीट स्लैब में फिक्स कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे ये इस तरह से रोटेशन में डाइवर्ट ना हो। दूसरा केस होता है रेट्रो स्टेबिलिटी का, हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये एक आई सेक्शन है राइट, और दूसरा आई सेक्शन कुछ इस तरह से, इसके बीच में हम क्या प्रोवाइड कराते हैं ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। ब्रेसिंग्स मतलब हम इसको फ्लैट प्लेट्स या किसी भी से बार से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये क्या है कि इस तरफ टिल्ट ना हो या फिर ये इस तरफ टिल्ट ना हो राइट। दूसरा होता है कि हम दोनों आई सेक्शन के मध्य क्या प्रोवाइड कराएं एक डायफ्राम या फिर डायफ्राम इन सेंस मतलब क्या होता है एक प्लेट प्रोवाइड करा दें राइट, इसे हम क्या कहते हैं डायफ्राम। इस तरह से हम क्या करते हैं हमारे बीम की लेटरल स्टेबिलिटी को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। ओके फिर हम देखते हैं कि लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। लेटरल टॉर्जनल बकलिंग का क्या मतलब होता है कि मतलब जो हमारी बीम होती है वो किसी अपनी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग थीटा डिग्री से रोटेट कर जाए तो इसे हम क्या कहते हैं लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। ओके अब हम देखते हैं कि हम बीम में बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बीम, बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बीम जो होती है वो इतनी इनफ होनी चाहिए कि उस पर लगने वाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उससे उसकी वैल्यू क्या हो ज्यादा हो। मतलब डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन व्हाट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग स्ट्रेसेस से उसकी वैल्यू बेंडिंग मोमेंट इससे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए राइट। तो इस तरह के बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं दो केसेस में राइट। जो बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बीम होती है उसे हम दो केसेस में स्टडी करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेंथ। फर्स्ट है व्हेन हमारी बीम कैसी है लेटरली सपोर्टेड हो। लेटरली सपोर्ट मतलब हमने आपको बताया था अभी कि जैसे हम ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, शियर कनेक्टर प्रोवाइड कराते हैं या डायफ्राम प्रोवाइड कराते हैं, उससे हम क्या करते हैं उस बीम की जो कंप्रेशन जोन है उसको हम लेटरली रिस्ट्रेन करते हैं ताकि वो डिफ्लेक्ट ना करे, उसमें टॉर्जनल बकलिंग ना आए। तो फर्स्ट हम केस देखते हैं कि जब हमारी बीम कैसी है लेटरली सपोर्टेड, और दूसरा अगला केस होता है हमारा लेटरली अनसपोर्टेड। ओके अनसपोर्टेड इस केस में हमारी टॉर्जनल बकलिंग का केस कंसीडर करेंगे और इसमें क्या होगा हम टॉर्जनल बकलिंग का केस नहीं होगा, मतलब ये बीम प्योरली बेंडिंग में फेल करेगी। पर जब बेंडिंग में फेल करेगी तो इसमें हम देखेंगे कि कोई और लोकल बेंड बकलिंग तो इसमें नहीं आ रही है, तो लोकल बकलिंग और कौन सी आ सकती है। जैसे हमारी कोई बीम है ये हमने रिस्ट्रेन कर लिया कि बीम जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट करके टॉर्जनल में तो फेल नहीं करेगी क्योंकि हमने लेटरल में क्या प्रोवाइड किया है टॉर्जनली सपोर्ट प्रोवाइड किया है, मतलब ये बीम हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे फिक्स रहेगी। ओके जब ये फिक्स रहेगी ये हमें पता है, अब इस पर लगने वाला कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण क्या होगा कि ये जो वेब सेक्शन है ये वेब सेक्शन क्या होगा कि मतलब शियर यील्ड कर जाएगा। शियर यील्ड मतलब यहाँ पे ये लोकली इस तरह से बकल कर सकता है, तो शियर यील्ड ना करे इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है हमारे शियर में Fy/√3। इसको और सॉल्व को और वैल्यू कितनी होती है 0.577 Fy। मतलब अगर इस वेब में लगने वाला जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू अगर 0.577 Fy से ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा यहाँ पे ये लोकली शियर यील्ड कर जाएगा वेब हमारा और शियर में बकल कर जाएगा राइट।
इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा शेयर स्ट्रेस की वैल्यू एफ वाई, इसको वैल्यू को हम जनरली 0.6 एफ वाई के बराबर ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस पे लगने वाला जो टोटल शेयर फोर्स है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर फोर्स है, वी शुड बी लेस देन व्हाट 0.6 ऑफ डिजाइन शेयर कैपेसिटी, राइट। अगर ये केस है तो हमारा शेयर यील्डिंग नहीं होगी, राइट हमारी क्या होगी, शेयर में यील्डिंग नहीं होगी और हमारा जो स्ट्रक्चर फेल होगा वो क्या होगा, फुली बकलिंग में या फुली बेंडिंग में, फुली बेंडिंग में मतलब हमारा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, मतलब थ्रू आउट द रोटेशन देगा और उससे पहले ये प्लास्टिक में जाके ही फेल करेगा ओके। दूसरा केस हम देखते हैं कि जब हमारा क्या होता है कि शेयर यील्डिंग हो जाती है, मतलब हमारी जो इसमें लगने वाला किसी पॉइंट पे शेयर फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, कि उस मटेरियल की जो डिजाइन कैपेसिटी है उसके 0.6 टाइम से भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब ये क्या है कि अपने फुल कैपेसिटी को अचीव करने से पहले ही क्या होगा, वेब में इस तरह से शेयर यील्ड करके या वेब में बकलिंग के कारण क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, राइट। तो इन दोनों केसेस के करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं ओके। तो सबसे पहला केस है हमारा केस वन, ये सारे फॉर्मूले जो हम डिस्कस करेंगे हमारा आईएस में रखें, ठीक है ना। फर्स्ट केस है हमारा जब शेयर फोर्स की वैल्यू जो आ रही है शुड बी लेस देन व्हाट 0.6 टाइम ऑफ डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। इस केस में क्या होता है कि हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमडी से। एमडी जो है डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। यहाँ पे जेड पी क्यों यूज करें, क्योंकि हमारी जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, इस वीडी से 0.6 टाइम ऑफ वीडी से कम है, मतलब ये फुली यूटिलाइज हो रहा है, मतलब ये रीजन किस में जाएगा, हमारा प्लास्टिक में। तो हम सेक्शन मॉडुलस भी यहां पे कौन सा यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो आप, कर रहे हैं प्लास्टिक का। तो यहां पे जो हमारी MD की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बीटा B * ZP * FY / गामा M2। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट केस है हमारा 1.2 टाइम्स * ZE * FY / गामा M फॉर व्हाट, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारी जो बेंडिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम वो इतनी हो सकती है, राइट, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हमारा कोड कहता है, ये लिमिट्स कोड ने प्रोवाइड की है। दूसरी लिमिट कोड ने प्रोवाइड की है कि इसकी जो वैल्यू है 1.5 टाइम्स ऑफ जेड ई इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो फॉर कैंटिलीवर। ओके, इससे ज्यादा ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर आती है तो फिर हम इसी लिमिटिंग वैल्यू को कंसीडर करेंगे कि इसकी डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी है, इसके बराबर है, ओके, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, ओके। तो ये हो गया हमारा जब क्या होता है, वीडी वी इज लेस देन 0.6 टाइम ऑफ वीडी। इसमें हमारा कोड कहता है कि हम दो इफेक्ट्स को कंसीडर करके चलते हैं, कि जब हम किसी भी, जैसे ये फ्लेंज है, इस फ्लेंज को जब हम इस वेब से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोल्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इस बोल्टिंग सिस्टम के कारण क्या होंगे, यहाँ पे बोल्ट्स होल होंगे, इस बोल्ट होल के कारण क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ में फर्क आएगा। तो जनरली क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड चीजें यूज करके चलते हैं, तो हमारा कोड कहता है कि हम इस बोल्ट इफेक्ट की केस को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल लेके कंसीडर करके चल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ बोल्ट होल, ठीक है, पर अगर वो ज्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रहा होता तो उससे क्या होगी, हमारी जो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ वैल्यू को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अगला केस होता है हमारा शियर लैग इफेक्ट, शियर लैग क्या होता है कि जब हमारा शियर फोर्स एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर होता है, तब क्या होता है कि हमारा क्रॉस सेक्शन में सडन चेंज आता है। क्रॉस सेक्शन में सडन चेंज आने के कारण क्या होता है, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन उस स्मॉल क्रॉस सेक्शन के सराउंडिंग क्या होता है, ज्यादा रहता है, फिर लेंथ के बाद वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी ये कोई बीम है या फिर ये कोई क्रॉस सेक्शन है, राइट, इस क्रॉस सेक्शन को हमने क्या किया, इस
हायर क्रॉस सेक्शन के साथ कनेक्ट किया है। ओके ओके यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है। ये शियर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इस सरफेस पे इस तरफ ट्रांसफर करेगा, उसका रिएक्शन यहाँ पे आएगा। तो ये शियर फोर्स है वो थ्रू आउट इतनी लेंथ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो सडनली तो पूरी लेंथ में ट्रांसफर होगा नहीं, तो वो क्या होगा कि इसके सराउंडिंग रीजन में मतलब जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा, राइट, इस तरह से। देन आफ्टर आगे वाली लेंथ में ये यूनिफॉर्मली शियर ट्रांसफर हो जाएगा। पर ये जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है शियर का, जिसमें ट्रांसफर हो रहा है, उसमें क्या होता है कि इम्बैलेंस शियर फोर्स होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, शियर लैग इफेक्ट कहते हैं, राइट। इसे क्या कहते हैं, शियर लैग इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम किस तरह से नेगलेक्ट या फिर कम कर सकते हैं, हम हमारी जो जॉइंट है उसकी लेंथ को बढ़ा के, उससे क्या होगा कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा और उसका जो इफेक्ट है वो कंस्ट्रेन हो जाएगा, राइट। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि हमारा शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा, फिर धीरे धीरे ये यूनिफॉर्मली आ जाएगा। ओके, तो शियर लेग इफेक्ट को हम कंसिडर करेंगे जब हमारी विड्थ ऑफ फ्लेंज है एल नॉट इज लेस देन इक्वल टू वॉट, एल नॉट अपॉन 20। जब विड्थ ऑफ फ्लेंज बी नॉट जो है वो एल नॉट अपॉन 20 से कम है फॉर आउटस्टैंडिंग एलिमेंट्स जो कनेक्टेड नहीं है उसके लिए, तो हम शेयर लेग इफेक्ट को ध्यान में नहीं लेंगे। एल नॉट हमारी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। ओके, पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट मतलब हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेजर के बीच की डिस्टेंस। मतलब जैसे हमारी ये कोई बीम है, इस बीम को हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर रखा है और यहाँ पे भी फिक्स कर रखा है, राइट। इसका स्पान कितना है, हमारा एल है। इस पे लगने वाली लोडिंग के कारण इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ओके, इस तरह से हमारा क्या बनता है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डायग्राम बनता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, एम टू है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, एम वन है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, एम थ्री मान ली। तो पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ये। ओके, ये हमारी क्या होगी, एल नॉट के बराबर, राइट। इसको हम कंसीडर करके चलेंगे कि और विड्थ ऑफ फ्लेंज बी नॉट क्या होगा हमारा, इस तरह से है। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज आउटस्टैंड मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, बी नॉट के बराबर। ओके, तो इससे हम देखेंगे कि हमारा शेयर लैग इफेक्ट को हमें कंसीडर करके चलना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। जब हमारा कोई इंटरनल एलिमेंट है जैसे कि वेब हो गया, उस केस में हमारा बी आई जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एल नॉट अपॉन 10। ये केसेस हमारे कोड कहता है। तो ये हम जनरली कंसीडर करके नहीं चलते, हम सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है एम डी इज इक्वल टू बीटा बी जेड पी एफ आई अपॉन गामा एम जीरो से हम क्या निकालते हैं, इसके बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड केस हमारा क्या होता है, व्हेन बी इज व्हाट ग्रेटर देन 0.6 टाइम ऑफ वी डी। ये कैसे, तो हमारा क्या होता है, सेक्शन फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता है, सेक्शन विल नॉट फुली यूटिलाइज। ओके, और ये हायर शेयर फोर्स का केस होगा, हायर शेयर फोर्स का केस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो उसकी जो हाई शेयर फोर्स का केस, इसमें क्या होता है कि हमारी जो वेव है वो क्या हो जाएगी, बकलिंग में फेल कर जाएगी, राइट। हमने बोला था कि मतलब अगर शेयर कैपेसिटी से बियॉन्ड लगेगा तो वेव में सडनली हाई शेयर फोर्स आ जाएगा लोडिंग के कारण और ये वेव फेल कर जाएगा। तो जो मेन बेंडिंग स्ट्रेसेस है, बेंडिंग फोर्सेज है, वो कौन बियर करेगा, हमारा फ्लेंज सेक्शन, राइट। तो इसके कारण इसकी जो डिजाइन कैपेसिटी आती है, इसे हम एम डी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी होगी, एम डी माइनस बीटा टाइम्स ऑफ एम डी माइनस एम एफ डी एफ डी। ओके, यहाँ पे ये जो बीटा की वैल्यू होती है, ऊपर वाले केस में बीटा था, इस बीटा की वैल्यू कोड कहता है, ये जो बीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, वन होती है फॉर व्हाट, प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन, प्लास्टिक
एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन, और फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन बीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, जेड ई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय जेड ई। ओके, ये हम कह रहे हैं गामा एम जीरो की वैल्यू हमें पता ही है 1.1 होती है, राइट। तो हमारे इस केस में एम डी वी की वैल्यू क्या होती है हमारी, एम डी बीटा इंटू एम डी माइनस एम एफ टी। यहाँ पे हमारी एम डी जो है वो क्या है, प्लास्टिक डिजाइन मोमेंट ऑफ होल सेक्शन। एम डी इज वॉट, प्लास्टिक डिजाइन मोमेंट ऑफ होल सेक्शन। ओके, और एम एफ डी जो है वो क्या है हमारा, प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेब एरिया, सॉरी फ्लैंज एरिया। इसे हम क्या डेफिनेशन में कह सकते हैं, प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग शेयर एरिया। शेयर एरिया हमारा कौन सा है, जनरली वेब एरिया, राइट, एक्सक्लूडिंग शेयर एरिया। ये वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये हमें कोड बता रहा है, इसके लिए आपको कोई ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा शियर फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम बेंडिंग मतलब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं क्या डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट केस है हमारा, व्हाट व्हेन बीम इज लैटरली व्हाट अनसपोर्टेड, इस केस में हमारी बीम जो होती है उसमें फेल होगी लैटरल टॉर्सनल बकलिंग में, ठीक है ना। अगर हमारी लैटरल टॉर्सनल बकलिंग में फेल होने की टेंडेंसी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, लैटरल टॉर्सनल बकलिंग में फेल कर सकता है, राइट। तो इस केस में लैटरल टॉर्सनल बकलिंग में फेल कर सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोड कहता है कि जब हमारा जो नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस रेशियो होता है, जिसे हम लैम्डा एलटी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दिस वैल्यू इज लेस देन 0.4 टाइम्स, तो हम लैटरल टॉर्सनल बकलिंग की केस को अनसपोर्टेड केस में भी यूज नहीं करेंगे, तो कंसिडर करके नहीं चलेंगे, ये लैटरली रिस्ट्रेंड मानी जाएगी अगर इतनी छोटी लेंथ है। तो अगर हमारी जो लैम्डा एलटी है, लैम्डा एलटी हमारा क्या है, नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस रेशियो, non-dimensional slenderness ratio, इसकी वैल्यू बियॉन्ड 0.4 टाइम्स है, तो हम लैटरल टॉर्सनल बकलिंग के केस को क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू एम डी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये होता है हमारा बीटा बी इंटू व्हाट, जेड डी इंटू एफ डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ एक्सट्रीम फाइबर। ओके, यहाँ पे जो बीटा बी है वो क्या होगा, प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन, और प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन, और इसकी वैल्यू जेड ई ऑफ जेड पी होगी फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। ओके, यहाँ पे एफ बी डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए कोड फॉर्मूला देता है। एफ बी डी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जाई एल टी इंटू एफ आई अपॉन गामा एम जीरो। ये फॉर्मूले हमने कंप्रेशन मेंबर के डिजाइन में देखे हैं, जब डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू हम बेंडिंग स्ट्रेसेस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसमें, राइट। ये हमारा जो एफ बी डी होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिजाइन बेंडिंग, यहाँ पे बस कहते हैं डिजाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे सारी वैल्यू हमें पता है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जाई एल टी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन अपॉन फाइ एल टी प्लस फाइ एल टी का स्क्वायर माइनस व्हाट, लैम्डा एल टी का स्क्वायर की पावर व्हाट 0.5, राइट, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.0। इससे हमारी क्या आएगी, और लैम्डा एल टी जो होता है वो क्या होता है, एफ आई अपॉन एफ सी आर डी। ओके, और हमारी जो क्रिटिकल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, क्रिटिकल मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू लेटरल टॉर्सनल बकलिंग एम सी आर, इसके लिए कोड फॉर्मूला कहते हैं, एम सी आर इज वॉट, इलास्टिक
क्रिटिकल मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू लेटरल टॉर्शनल बकलिंग ऑफ बीम करस्पॉन्डिंग टू लेटरल टॉर्शनल बकलिंग ऑफ बीम। इसमें एमसीआर का फॉर्मूला जो होता है वो कोड कहता है एमसीआर इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर ई वाई आई वाई अपॉन एल एल टी का स्क्वायर इनटू जी शियर मॉडुलस इनटू आई टी प्लस पाई स्क्वायर ई आई डब्ल्यू अपॉन एल टी का स्क्वायर शैल बी इक्वल टू व्हाट बीटा बी इंटू जेड बी इंटू एफ सी आर बी। यहाँ से हम एफ सी आर बी निकाल सकते हैं राइट। इसको इसके बराबर इक्वेट करने से हमारे पास एफ सी आर बी आ जाएगा। एफ सी आर बी आने के बाद हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ बी डी आ जाएगा। एफ बी डी आने से हम क्या निकाल सकते हैं हमारे डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बीटा बी जेड पी इंटू एफ सी आर बी से इक्वेट करेंगे एम सी आर को तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी एफ सी आर बी। इस तरह से हम लैटरली अनसपोर्टेड बीम के करस्पोंडिंग इस तरह से हम बीम डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है आई वाई आई टी आई डब्ल्यू इसके लिए कोड ये सब कहता है ये हमें वहाँ पे दे रखा है। जैसे हमारा आई वाई जो होता है वो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट माइनर एक्सेस। आई डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है वार्पिंग कॉन्स्टेंट होता है वार्पिंग कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है वन माइनस बीटा एफ इंटू बीटा एफ बीटा आई वाई इंटू एच एफ का स्क्वायर राइट। और आई टी जो होता है वो होता है समेशन ऑफ जिसे हम क्या कहते हैं सेंट विनियंट कॉन्स्टेंट कहते हैं सेंट एंड विनियंट कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है वो बीटा आई टी आई का स्क्वायर टी स्क्वायर ओपन थ्री होती है सिग्मा में। इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम फर्दर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे राइट। तो ये हो गया हमारा कुछ कंसेप्ट। ये अगर हमें सॉल्व नहीं करना हो तो एफ सी आर बी की वैल्यू हम सीधा टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारी आई एस कोड में दे रखी है। अगर हमें ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स को यूज़ नहीं करना है ना उस एग्जाम्पल को उसे भी हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। एक क्लास और लगेगी जिसमें हम कुछ और कंसेप्ट को रिकैप करेंगे जैसे हमारा वेब बकलिंग वेब क्रिपलिंग क्या होता है राइट। फिर हम डिज़ाइन प्रोसीजर के साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे राइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।